शिकारपुर में छतारी पुलिस ने ठगों के एक ऐसे गिरोह का राजफाश किया है जो भारत सोलर ग्रामीण प्रधानमंत्री योजना की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। साथी ठग गांव में सरकारी योजना का बैनर टांगकर सोलर और बिजली का नकली माल बेचते थे। पुलिस ने गोंदा बम्बे के पास 3 साथी ठगों को बिजली के नकली सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये तीनों साथी ठग सरकारी योजना की आड़ में अब तक सैकड़ों लोगों को बिजली और सोलर बत्ती का नकली सामान बेच चुके हैं। इनकी ठगी का खुलासा उस समय हुआ जब छतारी थाना क्षेत्र के गांव नगलिया निवासी अनिल कुमार को सरकारी योजना का बैनर दिखाकर बिजली का नकली सामान बेच दिया गया। अनिल ने ठगी की शिकायत छतारी पुलिस से की। शिकायत के बाद पुलिस ने अपने मुखबिर लगाए और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोंदा बम्बे के पास गुलाम रहमानी, गुलाम गिलानी और नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 8 बैटरी, 8 सोलर प्लेट, 7 पंखे, 6 टॉर्च, 18 LED बल्ब, योजना का बैनर, कार और 1,713 रुपए बरामद किए। वाला ग्रुप पकड़ा गया, क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये थानाध्यक्ष छतारी को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो भारत सरकार का सोलर योजना का नकली बैनर बना करके और नकली सामान जिसमें कि सोलर प्लांट, सोलर सिस्टम से रिलेटेड LED लाइट और बैटराज, तमाम ऐसे उपकरण जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड थे वो बेचे जा रहे थे। इस सूचना पर छतारी पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से तमाम मात्रा में सोलर पैनल से रिलेटेड सामग्री बरामद हुई है। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग पकड़े गए हैं? 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी तस्दीक किया जा रहा है कि इस पूरे गैंग में और कितने लोग सम्मिलित हैं।